Molarity मतलब number of moles dissolved in 1 liter solution is called molarity. Moles of solute upon volume of solution. चलो अब number of moles मतलब क्या होगा? Mole मतलब क्या लिखते हैं हम? Given mass upon molecular mass. ठीक है? तो mass of solute, okay? Upon molecular mass of solute into volume of solution in ml. देखो मैंने क्या लिया volume of solution in ml. तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा into 1000. Volume liter में लेना है. लेकिन यदि आप volume ml में लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे ऊपर 1000 से multiply करना पड़ेगा. बराबर. तो ये हो गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला. मोलारिटी m और भी एक तरीके से लिखा जाता है परसेंटेज w बाय w इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास. परसेंटेज w बाय w गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो और मॉलिक्यूलर मास अवेलेबल हो तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मोलारिटी का कैलकुलेशन कर सकते हो. बराबर. डन. चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके सम. कैलकुलेट करते हैं. सपोज 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ml aqueous solution, 10 gram NaOH dissolved in 100 ml aqueous solution. Calculate molarity. Aqueous solution दिया है, उसका मतलब क्या लिया हुआ है यहाँ पर? Water में ही dissolve किया हुआ है. बराबर. तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना लोगे? 10 ग्राम इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaOH का जो आएगा वो. तो NaOH का मोलर मास निकाल लेते हैं. NaOH कितना आएगा? बराबर. तो इसी फॉर्मूले में आपको रख लेना है. तो फॉर्मूले में डालो इसे. मास ऑफ सॉल्यूट 10 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 40 इनटू वॉल्यूम 100 ml. कितना आंसर है? 2.5. तो 2.5 मोल. डन. तो ये मोलारिटी आपने कैलकुलेट कर लिया. बड़े आ गए. ये सारे फॉर्मूले लिख लिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन ट्वेंटी ग्राम KOH dissolve in 2 liter aqueous solution. Calculate molarity. Okay, molarity m is equal to mass of solute into 1000 divided by molecular mass into volume of solution
इन ml. मास ऑफ सॉल्यूट 20 × 1000. मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH, क्योंकि वो एच का मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम का 39, 16 + 1. Then next question, how many gram of NaOH required for preparation of molar aqueous solution. How many gram of NaOH required for preparation of 250 ml 0.1 molar aqueous solution? क्या कैलकुलेट करना है यहां पर और क्या बी वन है? मोलारिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम. तो मोलारिटी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, आपको ग्राम कैलकुलेट करना है. मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला डाले तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कैलकुलेट करना है इन 2000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल. मोलारिटी आपका हो जाएगा 0.1, ये आपको कैलकुलेट करना है. 1000 NaOH लिया, NaOH का मोलर मास 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250. एक्स आपको कैलकुलेट करना है. X is equal to 0.1 into 4 into 25 divided by 10. C6H12O6 required
for preparation of 0.2 molar 5 liter aqueous solution. तो यहाँ पर भी आपको तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. मोलारिटी 0.2 कैलकुलेट करना है. वेट ग्लूकोज का मोलर मास निकालना पड़ेगा C6H12O6 मतलब 6 × 12 12 16 180 के करीब आएगा. ये 2.1 वेट बाय वेट गिवन हो डेंसिटी गिवन हो तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे. मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास.
परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आपके पास कितना है पहले वाले सम में 20 इंटू डेंसिटी 1.23 इंटू 10 डिवाइडेड बाय एनओएच है एनओएच का मोलर मास 40 करो सॉल्व ओके तो ये है आपका 6.1 आ रहा है तो ठीक है 6.1 मोलर सेकंड क्वेश्चन तो इसके अंदर मोलारिटी सेम परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आपके पास 30 है इनटू डेंसिटी 1.28 इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास H2SO4 का मोलर मास 98 आएगा यहाँ पे मैं H2SO4 काउंट करके दे देता हूँ हाइड्रोजन का 2 सल्फर का 32 ऑक्सीजन 4 इंटू 16 98 आएगा
टेक्स्ट बुक का 1.6 क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं बोला हो मतलब हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास गिवन है 1.41 एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड बीइंग 69%, मतलब कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू गिवन है और डेंसिटी अवेलेबल है किसके लिए, नाइट्रिक एसिड के लिए। नाइट्रिक एसिड का पहले मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे, नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर मास हाइड्रोजन 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 63, तो ये आ जाएगा आपका 63। अब फॉर्मूला परसेंटेज W मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय W इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अपने पास 69 है, 69 इनटू डेंसिटी 1.41 इनटू 10 डिवाइडेड बाय नाइट्रिक एसिड का मोलर मास 63। क्वेश्चन नंबर 1.5 कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसिटेट। इसका मास कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर का मीनिंग होता है मोलारिटी, मोलर का मीनिंग होता है मोलारिटी। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट 820245 ग्राम पर मोल। तो क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल. तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास हो जाएगा, ये मोलारिटी आपके पास अवेलेबल है 0.375 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा x इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल है 82.0245 इनटू वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है 500. तो x कैलकुलेट कर लो.
चलो नेक्स्ट एक और 1.7 मोलारिटी है ना 0.2 मोलर ठीक है अब हेडिंग डाल रहा हूँ मोलालिटी small end. Dissolve in 1 kg solvent. Number of moles dissolve in 1 kg solvent. Molality means molal, small m, molal, ऐसे बोला जाता है ठीक है दूसरा दोनों में डिफरेंस क्या है वहां पे लेना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जबकि यहाँ क्या आया वेट ऑफ सॉल्वेंट पूरा सॉल्यूशन नहीं लेना है खाली किसका वेट लेना है सॉल्वेंट का वेट लेना है बराबर तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन सपोज मोल्स लिखे तो और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट जो भी गिवन हो 10 ग्राम 40 ग्राम 30 ग्राम वो ठीक है इनटू 1000 डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, बराबर क्वेश्चन। टेन ग्राम NaOH dissolve in 80 gram water. Calculate molality. Ten gram NaOH dissolve in 80 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलालिटी। ओके देखो क्या गिवन है, 10 केजी क्या है, 10 ग्राम क्या हो गया, 10 ग्राम क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, और 180 ग्राम क्या हो जाए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अपना फॉर्मूला ये है बराबर। चलो तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा आपका 10, ओके इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, NaOH का मोलर मास कितना आएगा 40 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 80 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate molality।